दोस्तों नमस्कार। निशिता साधन परिवार से एक कैसे टॉपर बनी है, तो 10वीं क्लास में कैसे टॉपर बनी है, तो उसकी जुबानी हम आपको सुनाएंगे कि वो कैसे टॉपर बनी है। आज जो हमारी बेटियां है, जो लड़कियां है, वो किसी भी एक क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं है। तो वो चाहे खेल का मैदान हो, पढ़ाई हो, या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, तो वो बहुत ऊँचे लेवल पर चढ़ती जा रही है। तो साथियों आप देखिए, मैं आपको उसी की जुबानी सुनाऊंगा कि उसने कैसे टॉपर किया और शिक्षकों ने उसको कैसे मोटिवेट किया और जो परिवार है उसका कैसे साथ देता है। तो आपको बिल्कुल पूरी इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि उसने टॉपर करने का क्या कारण था और कैसे उसने टॉपर किया है। निशिता टैगोर स्कूल है जो नारनुंद में, उसमें पढ़ती थी और वहाँ से ही उसने ये 10th क्लास में टॉप किया है। और एक बात और खुशी की बात है कि जो ये स्कूल है उसमें से ही तीनों बच्चे टॉप आए हैं। जो टॉप आए हैं उनके मैं आपको लिस्ट बाद में डाल दूंगा, वहाँ से आपको दिखा दूंगा। तो देखिए अभी मैं उनके जो जुबानी है वही सुनवा देता हूँ। आप देख सकते हैं उसके परिवार में कितनी खुशी है और लगभग पूरे हरियाणा में हमारी बेटियों पर हमें गर्व है और ऐसी बेटियां हर घर में जन्म ले। तो आप देख सकते हैं कि उसके परिवार में कितनी खुशी है और पूरे हरियाणा में उन्होंने टॉप किया है। तो चलिए सुना देते हैं एक बार। अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब स्कूल वालों का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस रिज़ल्ट। पेरेंट्स तो हमेशा ही मोटिवेशनल रहे हैं, हमारे हमेशा ही मोटिवेशन देते रहे हैं, और स्कूल वालों का मैम सर ऑल मोटिवेटेड मी एंड ऑल स्टूडेंट, मतलब प्रिंसिपल सर मैम, हमेशा हमारे पेरेंट्स की तरह ही वर्क किया उन्होंने, हमेशा एज ए ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हमने उन्हें देखा है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मोटिवेशन काफ़ी है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है हमारे स्कूल का। तो इस मुकाम को अपने क्या मेहनत, नहीं एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं, बट आई कंसंट्रेटेड ओनली ऑन द एनसीईआरटी बुक्स एंड बस स्कूल वालों का ही, मतलब टीचर्स ने भी काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाया है हमें। नॉर्मल पढ़ाई की है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं किए इसके लिए, नॉर्मल अपने हिसाब से पढ़ाई की है और अच्छी मेहनत से तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा आई थिंक। डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। नहीं, रिस्पॉन्स सिंपल ही था, घर जाके रेस्ट करना, बस खाना खाना, जस्ट रिस्पॉन्स तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सिंपल ही था सब, घर पे आना जाना हो बस। सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी, मतलब आई कभी भी रही नहीं मैं चैनल्स पे, तो सोशल मीडिया ज्वाइन बिल्कुल नहीं किया मैंने, कभी भी नहीं किया। टीवी में सिर्फ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी मैं, क्रिकेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था।